स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं वंशी हिल ट्रैक में, जो माथेरान के एकदम सदर्न टिप में आता है। यहाँ आने का सिंपलेस्ट तरीका है, आप करजत तक ट्रेन में आइए एंड वहाँ से आप इधर ऑटो में आ सकते हो, जो आपका चार जन का 300 से 400 रुपये चार्ज करेंगे, या टैक्सी से आ सकते हो जो 6 लोग का अराउंड 500 रुपये चार्ज करेंगे। अगर आप बार्गेन करने में अच्छे हो तो और भी रेट्स कम हो सकते हैं। तो आपने जो पीछे स्कूल दिखा, वहाँ तक आपको टैक्सी और ऑटो छोड़ेंगे एंड वहाँ से आपको रास्ते से स्ट्रेट चलना पड़ेगा एंड आगे जाके आपको राइट साइड में दो वेल्स कुएं दिखेंगे। तो वहाँ से आपको राइट लेके एक ब्लू बॉक्स दिखेगा, उसके बाजू से आपको स्ट्रेट चलना पड़ेगा। जो अराउंड 200-300 मीटर में आपको एक गाँव पहुँच जाएगी। तो गाँव पहुँचते ही आपको तुरंत एक लेफ्ट लेके वापस लेफ्ट लेना है, काइंड ऑफ अ यू टर्न। यहाँ पे आपको अराउंड 3 से 4 रॉक पैचेस दिखेंगे जो आपको क्लाइंब करना रहेगा। ये पहला पैच है, अभी हमारा दूसरा पैच चालू होगा सामने, जस्ट अभी हम लोग तीसरा पैच चढ़ के आए, वो हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि काफी जोर से बारिश भी रही थी। फिर काफी दूर तक रिच है एंड फिर आपका चौथा पैच आएगा रॉक पैच एंड उसके बाद आपका कुछ ही देर में जंगल पैच चालू होगा। स्लिपरी था तो अभी हमें जाना है वहाँ पे माथेरान एंड हम लोग आए थे वहाँ से, वो है अंबेवाड़ी विलेज और ये आपका मोरबे डैम। हमारे फोटोग्राफर निरंजन, सचिन और एक कैमरा के ओनर निर्मल। सामने जो दिखा वो है आपका फॉरेस्ट पैच का स्टार्टिंग पॉइंट। ये रहा हमारे लोग पीछे आते हुए, ये दूसरा पैच चालू हो गया फॉरेस्ट का एंड पहला वाटर क्रॉसिंग स्ट्रीम है, अभी थोड़ा कम है स्टॉप। ये ट्रैक का सबसे अच्छी बात है कि एकदम प्रॉपर ट्रेल है, एकदम वेल डिफाइंड ट्रेल है। अगर आप स्ट्रेट रास्ते में चलोगे तो आपका फिर घूमना या भटकने की कोई चांस नहीं है। ये दूसरा स्ट्रीम जो हमें क्रॉस करना है, लकीली आज फ्लो काफी कम है।
हमें पूरे रास्ते में बस एक ही जगह ऐसा एरो दिखा एंड आपको सामने एक ऐसा गिरा हुआ पेड़ दिखेगा जो क्रॉस करते ही आपको थोड़ा सा मंदिर जैसा दिखेगा राइट साइड में। एंड उसके बाजू से आपका ट्रेल जाता है एंड वाटरफॉल रूट चालू होगा ट्रेकिंग का। हाँ वाटरफॉल लिखा ये हुआ आपका माथेरान वन ट्री हिल। ये माथेरान है पूरा, हमें ये रूट से जाना है चढ़ते हुए ऊपर तक। वो माथेरान रेंजेस जो आप है इटसलगढ़ जो अभी जाके पीछे है क्लाउड से ढका हुआ धूम लेक, ये हमारे ट्रैक लीडर पीछे मरते हुए आ रहे हैं और ये माथेरान के वाटरफॉल्स, ये बैक साइड है माथेरान का पूरा जो भी है माथेरान के ऊपर से सामने देखा रोड वीडियो को देख के चल। चढ़ के जाना है यहाँ, ये रहा वाटरफॉल से चढ़ते हुए जाना हम लोग को। वंट्री हिल जो अभी काफ़ी स्लिपरी और रिस्की है एंड मानसून में वहाँ पर जाना सेफ नहीं है बिल्कुल अनलेस आप काफ़ी एक्सपीरियंस रखा हो। हम माथेरान की ओर जाते हुए वंट्री हिल पॉइंट के आप हैं, यहाँ से करीबन 100-200 मीटर का ही रास्ता। फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए माथेरान। मोस्ट सदर्न टिप है माथेरान का।
सो फाइनली हम लोग आ गए वंथली हिल पॉइंट में माथेरान के। सो अराउंड 3 घंटा लगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे रहेगी। तो यहाँ से जो रास्ता है वो माथेरान की ओर जाती है सीधा, एंड वो रहा आपका गोम लेक, एंड वो जो मंचूम था मैं काफ़ी रिस्की है, स्लिपरी भी है। एंड सामने जो पहाड़ी का जो क्लाउड्स में ढका हुआ है वो है आपका। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे दस्तूरी नाका 5 किलोमीटर चल के, क्योंकि वाटर का फ्लो काफ़ी बढ़ गया है, बारिश गिर रही थी काफ़ी, तो काफ़ी रिस्की रहेगा उसके लिए। एंड वहाँ से वो टैक्सी पकड़ के जाएंगे मेरल एंड फिर घर पे।